डियर स्टूडेंट्स, इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि टकीज टेस्ट को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। हम जानते हैं कि टकीज टेस्ट जो है ये एक पॉपुलर मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट है या पोस्ट हॉक टेस्ट है, जो हमें पेयर्स ऑफ ट्रीटमेंट मींस को टेस्ट करने के लिए हेल्पफुल है। और ये हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब अनोवा के थ्रू हम एच नॉट को रिजेक्ट कर चुके होते हैं और अनोवा में एच नॉट जो नॉर्मली यूज होता है, दैट इज ऑल ट्रीटमेंट मींस आर सेम। तो हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं जिसके ऊपर हम टकीज टेस्ट को अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि क्या अनोवा के थ्रू एच नॉट रिजेक्ट हो चुका है या नहीं हो चुका। अगर एच नॉट रिजेक्ट नहीं होता तो फिर कोई भी मल्टीपल कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर किया है, टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम देख रहे हैं कि एन इंजीनियर इज इंटरेस्टेड इन डिटरमिनिंग इफ वेरिंग द कॉटन कंटेंट इन ए सिंथेटिक फाइबर अफेक्ट्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे कॉटन के 5 लेवल्स लिए गए हैं, यानी हमारी ट्रीटमेंट्स 5 डिफरेंट टाइप्स की है। तो ट्रीटमेंट्स के 5 लेवल्स हैं और हर एक लेवल के ऊपर 5 ऑब्जर्वेशंस ली गई हैं। तो ये एक बैलेंस डिजाइन है जिसमें एन का जो साइज है वो 5 है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट कैलकुलेशन की हैं, ग्रैंड टोटल निकाला है, ग्रैंड मीन निकाला है, जिसको हम अनोवा में यूज करते हैं फॉर कंप्यूटिंग सम्स ऑफ स्क्वेयर्स। तो यहाँ पे अनोवा टेबल बनाया गया है जिसमें हम बता रहे हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ था और हमारे जो सोर्स ऑफ वेरिएशन हैं वो 2 हैं। एक ट्रीटमेंट है जिसको बिटवीन ग्रुप्स भी कहा जा सकता है, दूसरा विद इन ग्रुप्स है जिसको एरर भी कहा जा सकता है। तो इसके बाद हमने हर एक के सम ऑफ स्क्वेयर कंप्यूट किए और टोटल सम ऑफ स्क्वेयर में से जब ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वेयर माइनस किया तो फिर हमारे पास एरर का सम ऑफ स्क्वेयर आया। और इस तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम हर एक की अवेलेबल है। फिर हम मीन स्क्वेयर कंप्यूट करेंगे बाय डिवाइडिंग सम ऑफ स्क्वेयर टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस तरीके से हमने 2 मीन स्क्वेयर कंप्यूट किए, मीन स्क्वेयर ऑफ ट्रीटमेंट एंड मीन स्क्वेयर ऑफ एरर, और फिर मीन स्क्वेयर ऑफ ट्रीटमेंट को मीन स्क्वेयर ऑफ एरर पे डिवाइड करने के बाद हमने एफ वैल्यू कंप्यूट की। तो एफ वैल्यू को हम टेबुलेटेड वैल्यू से भी कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज हम पी वैल्यूज को अल्फा से कंपेयर करके डिसाइड करेंगे कि हमने एच नोड को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे पी वैल्यू क्वाइट स्मॉल है तो नल हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल एवरेज ऑफ ऑल कॉटन परसेंटेजेस इज रिजेक्टेड एज पी वैल्यू इज क्वाइट लो। तो चूंकि एच नॉट रिजेक्ट हो गया है थ्रू अनोवा, तो अब हम टकीज टेस्ट को चूज कर रहे हैं फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट पेयर्स ऑफ ट्रीटमेंट मींस। तो उसको अप्लाई करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये जो पी वैल्यू इतनी स्मॉल आई है, जो एच नॉट रिजेक्ट हुआ है, वो किन पेयर्स की वजह से आई है। तो सबसे पहला स्टेप है हाइपोथेसिस बिल्ड करना। हाइपोथेसिस ये उसी तरह का है जैसे एलएसडी टेस्ट में भी हम बनाते हैं। क्योंकि पेयर्स ऑफ ट्रीटमेंट मींस को कंपेयर करने जा रहे हैं तो हम 2 ट्रीटमेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं, आईएथ एंड जेथ ट्रीटमेंट, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि बोथ ट्रीटमेंट मींस आर सेम या आइडेंटिकल या इक्वल। चूंकि वो इक्वल हैं तो देयर डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 0। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के तौर पर हम ले रहे हैं म्यू आई माइनस म्यू जे इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। तो ये उसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जो यहां हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चूज किया है। तो उसके बाद फर्दर कंप्यूटेशन है। अगर हमने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज किया है तो हमें परसेंटेज पॉइंट ऑफ द स्टूडेंटाइज रेंज स्टैटिस्टिक्स उसके टेबल में से देखना पड़ेगा एट 5% लेवल ऑफ अल्फा। तो क्यू अल्फा की जो वैल्यू है एट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर, तो चूंकि 5 ट्रीटमेंट्स थी तो यहाँ पे 5 रखा हमने, और एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 20 है। तो 5 और 20 के अगेंस्ट 5% अल्फा के ऊपर हमने जब टेबुलेटेड वैल्यू देखी, दैट इज 4.23। इसके बाद हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ ट्रीटमेंट मीन्स चाहिए, दैट इज मीन स्क्वायर एरर डिवाइडेड बाई एन। एन चूंकि बैलेंस डिजाइन है और एन सबका सेम है, 5 ऑब्जर्वेशन है ईच ट्रीटमेंट की, तो मीन स्क्वेयर एरर को जब हमने 5 पे डिवाइड किया और उसका स्क्वेयर रूट लिया तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है दैट कम्स 1.27। हमने इस टेबुलेटेड वैल्यू को और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो टकीज स्टैटिस्टिक की वैल्यू है दैट इज 5.37। तो ये वो वैल्यू है जिसको हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट ट्रीटमेंट मीन्स के डिफरेंस के साथ, पेयर्स ऑफ ट्रीटमेंट मीन्स के डिफरेंस के साथ,
और डिसाइड करेंगे कि क्या वो ट्रीटमेंट्स आइडेंटिकल हैं या दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जो क्रिटिकल रीजन हमारा बना है वो बना है वाई आई डॉट बार माइनस वाई जे डॉट बार, इसकी मॉडुलस वैल्यू ग्रेटर देन 5.37। इसका मतलब है कि अगर कोई सी दो ट्रीटमेंट्स के डिफरेंस का जो मॉडुलस वैल्यू है वो 5.37 से बड़ी है तो हम ये कंसिडर करेंगे कि दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिसीजन कैसे देना है। हमारे पास 5 ट्रीटमेंट्स थी, हर एक का मीन हमने कंप्यूट किया हुआ है। जब हमने इनके मीन्स के डिफरेंस को कंसिडर किया तो हम देख सकते हैं कि थर्ड और फोर्थ ट्रीटमेंट जो है उनका जो मीन है दैट डज नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली, और ना ही सेकंड और थर्ड ट्रीटमेंट मीन्स का जो डिफरेंस है वो टी अल्फा से या टकीज टेस्ट के स्टैटिस्टिक से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि ये जो दो पेयर्स हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और बाकियों का हम देख सकते हैं जैसे हम अगर फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करें तो वो टी अल्फा की वैल्यू से काफ़ी बड़ा डिफरेंस आता है। तो इस तरीके से हम पेयर वाइज डिफरेंस को कंपेयर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि थर्ड और फोर्थ ट्रीटमेंट जो हैं दे डू नॉट पुट डिफरेंट इफेक्ट ऑन द रिस्पॉन्स, और ना ही सेकेंड और थर्ड, और जो बाकी ट्रीटमेंट मीन्स हैं वो आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं। तो इस तरह टकीज टेस्ट को अप्लाई करके हम पेयर वाइज कंपेरिजन करना देख सकते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं, और ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट्स आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं।